नमस्ते सत्यकाल सबको, दिस इज साहिल गौरव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ट्रिपल आईडी रांची के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स की यार रिक्वेस्ट आई थी, भैया अपडेटेड वीडियोस बना दो इनके ऊपर भी, तो आज जल्दी से लेके आ गया हूं आपके लिए यार ट्रिपल आईडी रांची की अपडेटेड वीडियो, जिसके अंदर यार आपकी 2022 के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट में कवर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है, हॉस्टल फीस वगैरह होगी, इंस्टीट्यूशन फीस हो गया, आपका हॉस्टल कैसा रहता है और बाकी सारी फैसिलिटीज को भी कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो यार एंड तक वीडियो को देखना मत भूलना, और जितने भी लोग यार नए आ रहे हैं इस चैनल पे जल्दी से वो यार लाल कलर का बटन दबा दो, और यार जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट करते आए हो वैसे ही यार अपना सपोर्ट दिखाते रहकर ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दिया करो वीडियोस को। और इसके साथ साथ यार हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे यार ये सारी पीडीएफ वगैरह डल रही होती है, तो उसको भी जाकर यार ज्वाइन कर लो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अब हम जल्दी से यहाँ पे यार स्टार्ट कर रहे होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के बारे में बात होने वाली है। ये इनका यार लोगो रहता है, आप लोग देख सकते हो, एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, तो यार ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। इसके अलावा यार नेट रैंकिंग अभी तक यार अलॉट नहीं की गई है, आने वाले यार 4 से 5 साल में अलॉट हो जाएगी इसको नेट रैंकिंग। इसके अलावा यार जल्दी से आगे बढ़े तो आ जाते हैं अपने मोड्स ऑफ एडमिशन पे। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो यार यहां पे आ जाता है आपका सिंपल सा रहता है, जितने भी आपके ट्रिपल आईडीज एनआईडीज आईडीज रहते हैं वहां पे यार यही होता है, आपको जेईई मेंस एडवांस देना है, उसमें अच्छी रैंक लानी पड़ती है, और उसके बाद यार आपको यार जोसा और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। जोसा की काउंसलिंग यार अभी करंटली चल रही है, तो यार उसके थ्रू आपको यहां पे एडमिशन मिल रहा होता है। तो ये सिंपल सा यार आपका मोड ऑफ एडमिशन रहता है। इसके बाद यार अपने बड़े कोर्सेज के ऊपर, तो यहाँ पे यार आप लोगों को 4 कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद यार कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है एआई डाटा साइंस में, इसके अलावा ईसी मिल जाती है, और ईसी के अंदर भी आपको यार स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है आईआईटी वगैरह में। तो ये टोटल 4 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। ऐसी यार अगर हम इनकी सीट मैट्रिक्स देखें तो यार वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या सीट मैट्रिक्स रहती है यहाँ पे यार, ऐसा फीमेल कोटा वगैरह नहीं देखने को मिलता है, और यार थोड़ा बोरिंग पार्ट है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो यार पीडीएफ आप लोगों को पूरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन करके यार आप इस पूरी पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो यार ये रहता है आपका सीट मैट्रिक्स, नहीं तो यार स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। इसके बाद यार आगे बढ़े तो यहाँ पे यार आ जाती है आपकी कट ऑफ। कट ऑफ की बात करूं तो ये है आपकी 2021 की यार आपकी लेटेस्ट कट ऑफ जो रहती है आपकी राउंड 6 की, ठीक है। तो राउंड 6 की कट ऑफ मैंने इसलिए बता रखी है यहाँ पे क्योंकि यार वो जो होती है ना राउंड 6 की, वो थोड़ी बहुत ट्रस्टवर्दी होती है, क्योंकि सीसैप की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है। अगर आपकी इतनी रैंक आ जाती है तो आप एक सेफ रहते हो कि हाँ यार मेरे को इसमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाएगी। तो यहाँ पे यार अगर हम देखें तो आपको ईसी 44,000 रैंक तक देखने को मिल जाती है, काफी बढ़िया बात है ये एक तरह से अगर हम बोले तो। यार ये रहती है आपको ओवरऑल कट ऑफ, अगेन बोरिंग पार्ट है तो यार आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ में देख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यार जल्दी से बढ़ रहे होंगे अपने प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स में ही यार सबको इंटरेस्ट होता है कि यार कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी बढ़िया प्लेसमेंट है, एवरेज क्या चल जाता है, वर्थ इट है या नहीं है, तो यार हम वो जल्दी से देख रहे होंगे। तो यार यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो यार हाईएस्ट पैकेज है आपका 46 LPA जो कि यार माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। इसके अलावा यार एवरेज पैकेज की बात करें तो 12.8 LPA आपका ओवरऑल एवरेज पैकेज रहता है, जो कि काफी बढ़िया मान जाएगा। इसके अलावा यार मीडियम पैकेज की बात करें तो 9 से 10 LPA के आसपास रहता है, और ये भी यार काफी बढ़िया इनका ग्रोथ है, हर साल की ग्रोथ देखे तो यार काफी बढ़िया है, ग्रो करता जा रहा है, जो कि यार मैं आप लोग को आगे स्टैटिस्टिक्स दिखाई दूंगा। इसके अलावा यार 90% ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, ये भी यार काफी बढ़िया परसेंटेज है। 8+ पॉइंटर आपका सेफेस्ट रहता है, पॉइंटर मतलब सीजीपीए, अगर आप इतनी सीजीपीए ले आते हो तो यार आप इजीली सारी कंपनीज की कोडिंग राउंड जो कि फर्स्ट राउंड होता है उसमें बैठ पाते हो। इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती है, पीपीओ मिल जाता है, पीपीओ होता है आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो और यार उस कंपनी को आपका काम पसंद आता है तो आपको डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसके अलावा यार कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनीज की बात करो तो यार गोल्डन शैक्स, अमेजॉन, इंड्यूट, एडोब, वॉलमार्ट, वीएमवेयर, सैमसंग, डेलॉयट, एनवीडिया, वन प्लस, नायका, जियो, अमेरिकन एक्सप्रेस, यार काफी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है जो काफी बढ़िया आपको पैकेजेस दे रही होती है। तो ये हो गया यार प्लेसमेंट के डाटा के बारे में। इसके अलावा यार कुछ स्टार्ट भी आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, कितने यार हाईएस्ट पैकेज गया और आपका एवरेज पैकेज कितना चल जाता है, तो यार काफी बढ़िया यहाँ पे यार आपका जा रहा होता है। बाकी नंबर ऑफ ऑफर्स जितने भी यार आपके एलपी के बीच में है वो भी यार यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। 9 to 11 में 44 है, 5 to 8 में यार आपका 64 ऑफर्स हैं, इसके अलावा 12 to 19 में 10 है, और 20+16 ऑफर्स हैं, तो यार काफी बढ़िया एक नंबर मान जाएगा ये। इसके अलावा यार आगे बढ़े तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक पर्टिकुलर बैच का यार क्या आप लोग के ऑफर्स रहे हैं, टोटल ऑफर्स कितने हैं, तो ये सारी चीजें यार मेंशन कर रखी हैं, और यार ग्रोथ देख सकते हो हर साल
आपका यार जो फर्स्ट बैच था वहां पे सिर्फ 30 ऑफर्स आए थे, उसके बाद 84, अब यार 130 से भी ज्यादा ऑफर्स आए हैं, तो ये काफी बढ़िया चीज है। इसके अलावा यार एक और जो डाटा है दैट इज अबाउट एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज, तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज का सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हुआ है, इसके अलावा एवरेज पैकेज भी यार सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। तो यार ये काफी बढ़िया एक पॉइंट होता है कॉलेज को डिनोट करने का कि यार ये कैसा कॉलेज माना जाएगा, कैसे यार कॉलेज की रेपुटेशन होने वाली है आने वाले टाइम में। तो यार ये हो गया प्लेसमेंट के बारे में, ओवरऑल सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है। मेरे को लगता है इसके अलावा कोई भी डाउट रहा हुआ, अगर कुछ है भी तो यार आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा जल्दी से बढ़ते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनका अभी तक परमानेंट कैंपस नहीं मिला है, इनका यार अभी टेम्परेरी कैंपस ही है, लेकिन परमानेंट कैंपस की बात करते हैं इनको 67 एकर्स की लैंड प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा यार कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चालू हो गया है, तो आने वाले 2 से 3 साल में मेरे को लगता है जो ट्रांसफर शिफ्ट वगैरह हो जाएंगे ये लोग। इसके अलावा यार जो अभी फैसिलिटीज मिल रही है उनकी बात करें तो क्लास लैब, लाइब्रेरी आपकी स्पेशियस वेल मेंटेन है, स्पोर्ट्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इसके अलावा यार जिम वगैरह भी है। इसके अलावा यार फैकल्टी की बात करूं तो ओके रहता है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं बोलूंगा, मिक्स रिव्यूज रहते हैं इसके। इसके अलावा यार इतना ज्यादा अभी तक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज नहीं है ये, कैंटीन्स मिल जाती है, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट्स वगैरह काफी बढ़िया है। इसके अलावा यार आप लोग को यहाँ पे स्टेशनरी शॉप, ज़ेरॉक्स शॉप, हेल्थ सेंटर, एटीएम, बैंक्स वगैरह भी कैंपस के अंदर मिल जाते हैं जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो सारी फैसिलिटीज यार इन्होंने बढ़िया प्रोवाइड कर रखी है जो इनका टेम्परेरी कैंपस है वहां पर। इसके अलावा यार जल्दी से आगे बढ़े तो यहाँ पे यार फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन फीस रहती है आपकी 1 लाख रुपीज पर सेमेस्टर, इसके अलावा यार हॉस्टल प्लस मेस की फीस रहती है आपकी 31,000 रुपीज पर सेमेस्टर। तो यार अगर यहाँ पे यार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफी बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाता है, और ऐसे ही यार ग्रो करता रहा तो आने वाले 4 साल में तो यार और बढ़िया आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यार ये हो जाता है आपका ओवरऑल फी स्ट्रक्चर और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब जल्दी से बढ़ते हैं यार यहाँ पे हम हॉस्टल के ऊपर, और हॉस्टल के बाद यार कुछ चीजें जैसे फेस्ट क्लब्स वगैरह इनको भी देख रहे होंगे। तो हॉस्टल की सबसे पहले बात करें तो यार ये आपको गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों के दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा गर्ल्स टू बॉयज रेशियो यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता है, 1:4, 1:5। इसके अलावा यार बेड टेबल, चेयर, बुकशेल्फ वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद यार यहाँ पे आपको 3 और 4 शेयरिंग रूम्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो यार वाईफाई फैसिलिटी काफी सही है, आपको स्पीड वगैरह की रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कॉमन वॉशरूम मेंटेन और क्लीन रखे जाते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी यार कोई दिक्कत नहीं रहती, क्लीनलीनेस प्रॉपर यार मेंटेन रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कॉमन रूम्स मिल जाते हैं, एलसीडी टीवी वगैरह जहां पे लगा होता है, तो यार आईपीएल हो गया आपके जितने भी क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं, फुटबॉल मैचेस वगैरह प्रॉपर यार आपका सीन सेट हो जाता है ऐसे टाइम पे। इसके अलावा यार मेस फूड एवरेज रहता है, वही यार रोज रोज खा के बोर हो जाते हो, बाकी यार ओके फूड रहता है। कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो यार 9 PM रहता है बॉयज के लिए जितना मेरे को पता लगा, 7:30 फॉर गर्ल्स। अगर अपडेटेड हो गए हैं ये टाइम तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर कोई भी यार इस कॉलेज का स्टूडेंट देख रहा है। इसके बाद यार जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने यार फेस्ट वगैरह के बारे में, क्लब्स के बारे में। तो फेस्ट की बात करूं यार इनका जो काफी बढ़िया फेस्ट माना जाता है दैट इज गस्ट्रो, जो यार एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट माना जाता है, काफी बढ़िया होता है, ठीक है। तो यार ये हो गया इनका फेस्ट के बारे में। क्लब्स की बात करूं तो IEEE, हाउस ऑफ गीक्स, GDSC, OSA, House of Geeks, दोबारा से आ गए यहाँ पे, रोस, उसके अलावा कल्चर सोसाइटी, पिक्सेल, तो यार इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी यहाँ पे सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह हैं। डेफिनेटली जाकर यार पार्ट लो, क्योंकि यार जितने भी फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं ना उनको काफी ज्यादा यार अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ पे, नेटवर्किंग स्किल्स वगैरह बनती है, आप सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्ट करते हो, काफी कुछ पता लगता है कॉलेजेस के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो यार जरूर जाकर पार्ट लिया करो, बहुत ज्यादा बढ़िया आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहेगा यहाँ पे। अटेंडेंस की बात करें तो यार 75% अटेंडेंस आप लोग को मेंटेन करके रखनी पड़ती है, वही रहता है यार, बाकी यार थोड़ा बहुत टीचर पे डिपेंड करता है कि यार कौन टीचर दे देगा अटेंडेंस, कौन नहीं देगा, वो आप लोग को डेफिनेटली पता लग जाएगा या तो सीनियर से या जब आप कॉलेज में आते हो तो यार पता लग ही जाता है। तो ये हो गया यार ओवरऑल इस कॉलेज के बारे में। आई डोंट थिंक सो यार मैंने कोई भी चीज छोड़ी है, हर एक चीज यार प्रॉपरली मैंने कवर कर ली है अच्छे से। और यार अगर आप लोग को इसके बाद भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर यार यहां तक वीडियो को देख ही लिया है तो यार डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, लाइक का बटन दबा देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लाइक्स वगैरह देखकर। और यार इसके अलावा भी कोई मेन डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में तो लिख ही दोगे। इसके अलावा यार मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग डीएम कर सकते हो, मेरा हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा @SahilGauri, वहां पे जाकर मेरे को डीएम कर लेना, फॉलो कर लेना, सारे अपडेट्स वगैरह भी वहां पे मिलते रहते हैं। इसके अलावा यार यही प्रॉपर PDF आप लोग की डल रही होगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर जाकर यार आप लोग इस PDF को एक्सेस कर पाओगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना डेफिनेटली। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, ऐसी यार और अपडेटेड वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा, तो यार चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी इसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, सी यू, बाय बाय।